प्रकृति के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर आम जनता से लेकर प्रशासनिक महकमा तक जुटा हुआ है। इस बीच कोविड ने छठ के आयोजन के सामने चुनौतियां पेश कर दी हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए गाजीपुर के डीएम और एसपी गंगा में नाव की सवारी करते हुए दिखाई दिए। असल में प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि कोविड 19 को देखते हुए आप लोग घरों में ही डाला छठ का पर्व मनाएं। बावजूद इसके कुछ लोगों द्वारा गंगा घाटों पर पूजन के लिए पहुंचने की संभावना है। इसी को देखते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी एमपी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने नाव से शहर के गंगा घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारियों के साथ नगर के ददरी घाट पर पहुंचे। यहां पर उन्हें यह नजारा देखने को मिला कि गंगा घाट से काफी दूर चली गई है। इसके बाद पैदल ही दोनों अधिकारी नदी के किनारे तक पहुंचे। यहां से नाव से अन्य अधिकारियों के साथ रवाना हुए। कलेक्टर घाट पर नाव रुकी। इसके बाद अधिकारियों ने उतरकर घाट का निरीक्षण भी किया, संबंधितों से व्यवस्था की जानकारी ली। यहां के बाद स्टीमर घाट, चीतनाथ घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि कोविड 19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ पूजा होगी। कहा कि अनाउंसमेंट कर सभी को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि यथासंभव घर से ही इस त्योहार को मनाएं। बावजूद इसके यदि घाट पर कोई पूजा करने आता है तो पूजा पाठ कर सुरक्षित तरीके से चला जाए। इसके लिए आज जिलाधिकारी के साथ घाटों का निरीक्षण किया गया। सर, छठ पर्व है, ऐसे में गंगा जो है घाटों से, कई घाटों से जो है 500 मीटर की दूरी पर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? ये डाला छठ को दृष्टिगत रखते हुए हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है पूरे घाटों का नाव से आज भ्रमण किया। साथ में हमारे ऑफिसर्स थे और नगर पालिका के डीओ थे और उसके चेयरमैन साहब पति थे। इसको पहले तो हम लोगों ने अनाउंसमेंट करके सबको बता दिया है कि यथासंभव घर से ही अपने त्यौहार को मनाएं, लेकिन भूले भटके यदि कोई आ जाता है तो सुरक्षित तरीके से यहाँ से चला जाए अपने पूजा पाठ को करके। इसके लिए हम लोगों ने आज विजिट किया है, तो जहाँ जो कमियाँ पाई गई उसको ताकि पूर्ति की जा सके, ताकि किसी को कोई दिक्कत तकलीफ न हो और सुरक्षित वातावरण में डाला छठ का पर्व मनाए। कितने घाट जो है मतलब सुरक्षित टाइप के दिखाई दिए हैं? जहाँ ऐसे घाट जहाँ घाट नहीं बने हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, उनको विजिट किया गया। सुवल थाना क्षेत्र की तरफ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं जिसको बैरिकेड करके, और पहले तो हम रोकने का प्रयास करेंगे कि कोई आए नहीं, क्योंकि कोविड 19 के जो नियम है उसमें 10 वर्ष से नीचे के बच्चे को आना मना है, 60 वर्ष से ऊपर को के बुजुर्ग को आना मना है और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारा अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जैसे सभी त्यौहार अपने घरों से मनाया है वैसे इस त्यौहार को घर से मनाएं, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे उसकी व्यवस्था को हम लोग। जहां भी कोई कमी पाई गई उसे दुरुस्त करने का संबंधितों को निर्देश दिया गया ताकि सुरक्षित वातावरण में पर्व संपन्न हो जाए। उन्होंने बताया कि सुहवल थाना क्षेत्र के तरफ से बहुत सारे पॉइंट मिले हैं जिसको बैरिकेड करके, और पहले तो हम रोकने का प्रयास करेंगे कि कोई ना आए। कोविड 19 की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 वर्ष के नीचे के बच्चे और 60 के ऊपर के लोगों को आना मना है और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और मजिस्ट्रेट सभी लोग थे, नगर पालिका के भी लोग थे, जिला पंचायत के भी लोग थे। घाट के इस बार जहाँ हम लोग खड़े हैं ये नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, घाट के ऊपर जिला पंचायत दिखता है। 7 पक्के घाट हैं और बाकी कच्चे घाट हैं, कुल मिला के 34 घाट हैं। इन घाटों में 5 घाट ऐसे जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, एक तो ददरी घाट है, दूसरा जहाँ हम लोग खड़े हैं कलेक्टर घाट है, इसके अलावा मक्का घाट है, यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन ददरी घाट तो इस बार गंगा नदी का जो पानी है वो करीब 500 मीटर आगे बढ़ चुका है और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया वहाँ बालू से गीला हो गया है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि कोविड 19 है, महामारी का प्रकोप अभी गया नहीं है और दिल्ली में तो और बढ़ गया है, दिल्ली से सटा हुआ हमारा प्रदेश है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग कम से कम लोग आएँ, लोग अपने घरों की पूजा करें, अपने आसपास पूजा करें, क्योंकि यहाँ लोग आएंगे भीड़ बढ़ेगी तो कोविड से छूटा नहीं हो सकता। ये चिकित्सा विभाग से कोविड हेल्प डेस्क बना रखा है, हमारी मोबाइल टीमें भी रहेंगी, पूरी व्यवस्था करा रखी है। लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए लोगों से अपील ये है कि कम से कम लोग आएँ, विशेषकर 10 साल से कम के और 60 साल से अधिक के
के लोग बिल्कुल ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि कोविड महामारी उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सभी से अपील है, गाजीपुर के लोगों से अपील है, विनम्र अपील है, इसका ध्यान रखें, कम से कम लोग आए, ना आए तो और भी अच्छा रहेगा, बट अगर आते हैं तो सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें, मास्क जरूर लगा करके आए। हमारी चिकित्सा विभाग की टीम रहेंगी, नगर पालिका के स्तर से हम लोगों ने साफ सफाई की भी व्यवस्था बनाई है, कंट्रोल रूम भी बना रखा है, बन भी रहा है, इसमें लाउड स्पीकर्स भी रहेगा, लाउड हेलर्स भी रहेगा, टीमें मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ साथ चक्रवण साथी रहेंगे। बट कोविड महामारी को देखते हुए हम लोगों ने ये अपील की है और अभी भी अपील कर रहे हैं कि लोग ना आए या आए तो कम से कम आए तो बेहतर। आज सर कितने घाटों का निरीक्षण किया गया चुके आप? हम लोगों ने हमीद सेतु के आगे से हमीद सेतु के उस पार से लेकर के और इधर दर्दी घाट तक और फिर उस पार भी हम लोग गए थे, लगभग लगभग सारे घाटों का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया। सर ऐसे पालसा द्वारा जो अस्थायी जो पुल बनाए जा रहे हैं गंगा के रेत पर जाने के लिए, कल देखा गया कि बहुत सारे कुछ पुल जो है कमजोर टाइप के थे, क्या उसका भी? देखिए दर्दी घाट पर मैंने आपको बताया कि गंगा का पानी लगभग 500 मीटर से अधिक ही होगा, जो अपना स्थान छोड़ चुका है, एक आइलैंड टाइप का बन चुका है और वो रेतीला है, उस पर जमीन नहीं दिख रही, बालू है, अच्छा एरिया हो गया है। वहाँ तक पहुँचने में बीच में एक नाला जैसा भाग है, करीब 10 मीटर चौड़ा होगा, उस पर बल्लियाँ लगा करके पटरे लगाए गए, एक अस्थायी पुल लकड़ी का बनाया गया है, उसको हमने भी चेक किया है और नगर पालिका से कहा है कि इसको और मजबूती दी जाए और एक बगल में पुल और बना दिया जाए जिससे आने जाने वालों को कोई दिक्कत न हो। साथ ही कोई भी दुकान वहाँ नहीं लगने दी जाएगी, एक दो दुकानें हमने देखी जिससे गंदगी हो रही है, लोग पाउचेस बेच रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं जो प्रतिबंधित है, कोई भी दुकान अस्थायी या अस्थायी कोई भी नहीं लगेगी, साफ सुथरा घाट को रखा जाए ऐसा नगर पालिका को हमने निर्देश दिया है और हमारे मजिस्ट्रेट और तहसीलदार भी इसका इंस्पेक्शन करते हैं। धन्यवाद। निरीक्षण के दौरान सदर सीओ ओजस्वी चावला, तहसीलदार मुकेश सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।